Hello student, in this lecture also student we are going to see the same question जो first lecture हम लोगों ने EOQ का किया उसमें आपको मैंने introduction दिया और at the same time मैंने बताया कि questions को हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक tabular form था, एक formula form था। वीडियो 32 मिनट से ज्यादा का नहीं बन पाता है तो वो लेक्चर्स भी देखोगे। फर्स्ट हमारा लेक्चर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक 32 मिनट्स का बना है और एक 11-12 मिनट्स का बना है। इन दैट वी कंप्लीट दैट लेक्चर। लेकिन सेम क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस नंबर थर्ड हम लोग कर रहे थे, सेम क्वेश्चंस मैं कैरी कर रहा हूं इस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ही वो हम लोगों ने टैबुलर फॉर्म में किया था, सेम क्वेश्चंस हम लोग फॉर्मूला मेथड से देखेंगे। मोस्टली आपको एग्जाम में फॉर्मूला मेथड से पूछता है, लेकिन मैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर्मूला और टैबुलर दोनों से करूंगा, दोनों से आपको फैमिलियर होना है और कोई भी पूछेगा इजली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चंस हम लोग फॉर्मूला मेथड्स में कर रहे हैं। तो देखो EOQ इसका फॉर्मूला है 2AO/C। अभी हम लोग इसका इंडिकेशन देखते हैं कि ए मीन्स व्हाट, ओ मतलब व्हाट और सी मतलब व्हाट। तो डियर ए का मतलब होता है एनुअल यूजेस, एनुअल यूजेस। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स। कैरिंग कॉस्ट पर इन एवरी क्वेश्चन इस तरीके से आप इंडिकेट करना, क्योंकि ये जो मैं ए लिखा हूं, ओ लिखा हूं, सी लिखा हूं, जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा ही लिखा रहे या अलग अलग टीचर्स थोड़ा सा इसका इंडिकेशन अलग देते हैं। तो आप जब इस तरीके से फॉर्मूला लिख रहे हो ए टू इंटू ए ओ अपॉन सी, तो ए मीन्स वॉट, ओ मतलब वॉट और सी मतलब वॉट, इसका आपको इंडिकेशन देना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखा आपने, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि उसके अंदर एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 चाहिए। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का फिर से रेफरेंस, फिर से उस क्वेश्चन का आप रेफरेंस ले सकते हो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था। लेक्चर फर्स्ट था, क्वेश्चन थर्ड था। तो सेम EOQ ए टू आपको फॉर्मूले मिला, ए एनुअल यूजेस। तो देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपका एनुअल यूजेस था 1600। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, देखो स्टूडेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया था 50, आप 50 से इंटू करो, एंड था कैरिंग कॉस्ट, सी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट उसने बताया था स्टूडेंट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री का मतलब मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना था मेरा 40, इसका उसने कितना बोला 10%, 10% मतलब 10/100। जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस 1,60,000 डिवाइड बाय 4, 40 के ऊपर 10% इज द 4। अब 4 से 1,60,000 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 40,000 रूट। और डियर अगर आप रूट को निकालोगे, रिमूव करोगे, तो यू विल गेट 200 यूनिट्स। और यही आप देखोगे कि हम लोगों ने जब टैबुलर फॉर्म में किया था तो वहां भी आपको कितना यूनिट्स मिला था 200। तो क्वेश्चंस नंबर 3 को ही है, हमने दोनों मेथड से किया, फॉर्मूला फॉर्म में देखा आपको 200 मिला, इसी का आपने टेबल बनाया और आपने देखा कि आपको 200 यूनिट्स मिला था। तो 200 इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
200 यूनिट्स का मैं ऑर्डर देता हूं, दैट इज द बेस्ट, वो हमारे लिए क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, हमारा बिजनेस स्मूथली वहां पर चलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।